इस क्वेश्चन में हमें इकाई का अंग ज्ञात करना है, यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 करके फैक्टोरियल 1000 तक दिया गया है, और इसमें हमें इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो है इनका फैक्टोरियल खोलेंगे। एक का एक ही होगा, दो का फैक्टोरियल होगा 2 गुणे 1 प्लस तीन का फैक्टोरियल होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, चार का फैक्टोरियल होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल जब खोलते हैं तो उसके एक तक जो संख्याएं होती हैं, जैसे 4 से पहले आती 3, 3 से 2, 2 से 1 तक लिखते हैं। 5 को खोलेंगे तो 5 लिखेंगे, फिर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार जो 6 है, 6 को खोलेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर इसी प्रकार प्लस डॉट 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 यही होता चला जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 दुनी 6 प्लस 4 तीन 12 दुनी 24 प्लस 5 चक्कू 20 और 20 तिया 60 दुनी 120 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इसमें 5 चक्कू 20 तिया 60 दुनी 120, 120 और 6 12 6 72 720 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम यहाँ पर एक क्रम हमें दिखेगा कि यूनिट डिजिट जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो जहाँ पर किसी भी सम संख्या की गुणा 5 से हो जाएगी तो वो जो है संख्या उसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी आप देखेंगे जब 5 जो है, 5 की गुणा जैसे ही किसी सम संख्या से होती है तो वहाँ पर हमें इकाई में 0 मिलेगा। तो केवल आगे के जितने भी फैक्टोरियल खोलेंगे सभी में हमें इकाई का अंक 0 मिलेगा। बाकी की जो फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4 तक, इसमें क्योंकि 5 नहीं आ रहा था तो हमें इकाई में 0 नहीं मिल रहा था। तो केवल हम यहीं तक जोड़ेंगे, बाकी संख्याओं में सब में इकाई का अंक 0 होगा। तो अगर इनको जोड़ें तो 2, 1, 3, 3 और 6, 9, 9 और 4, 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13 ही आएगा, तो आ गया हमारा 13। इसमें हमें इकाई का अंक दिख रहा है 3, तो इकाई का अंक हमारा हो गया 3, यानी यूनिट डिजिट हमारा हो गया, यूनिट डिजिट हमारा 3। तो यहाँ पर 13 में जो है इकाई का अंक 3 है तो यूनिट डिजिट हमारा आएगा 3। बाकी के आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी सब में इकाई का अंक 0 आएगा, इसलिए हम केवल 1, 2, 6 और 24 को ही जोड़ेंगे, बाकी सब में 0 होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, 2, 1, 3 और 6, 9, 9, 4, 13 हो जाएगा, और इसमें इकाई का अंक जो है हमारा 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक होगा 3। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।